हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिखा। सभी का स्वागत है। तो आज हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे कटहल की सब्जी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम लेंगे कुकर। कुकर में सबसे पहले आपको डालना है ऑयल को। तो इस तरीके से हम सबसे पहले ले लेंगे ऑयल। ऑयल लेने के बाद आपको थोड़ा सा ऑयल गर्म होने देना है, थोड़ा सा ऑयल गर्म कर लेना है। फिर उसके बाद हम कटहल और आलू को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको कटहल और आलू लेके अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। और ज़्यादा फ्राई नहीं करना, मतलब डीप फ्राई करना है, हल्का ब्राउन करते हुए फ्राई कर लेना है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले कटहल को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम आपको धीमे ही रखना है और धीमे फ्लेम में ही अच्छे से इसको हम फ्राई कर लेंगे 5 मिनट तक इसी तरीके से धीमे फ्लेम में ही। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको अच्छे से इसे फ्राई कर लेना है। तब तक जब तक ये फ्राई हो रहा है मसाला रेडी कर लेते हैं। तो मसाले हमने प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च और ये थोड़ा सा गरम मसाले लिया है। इन सारे चीज़ों को लेकर के हम अच्छे से मिक्सी ग्राइंडर में डाल करके पीस लेंगे। आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको सारी चीज़ों को मिक्सी जार में ले लेना है और फिर उसके बाद इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है। पीस करके थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से इसे हम पीस लेंगे, मतलब ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके मसाला रेडी कर लेंगे। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है, हमने ग्राइंड कर लिया है। तब तक ये हमारा फ्राई हो चुका है कटहल और आलू। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे बाहर। तो आपको इस तरीके से इसे प्लेट में निकाल लेना है बाहर। तो ये आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आपको हल्का ब्राउन करना है इसे फ्राई करके। तो इस तरीके से फ्राई करके हम सारे कटहल और आलू को बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं, और ज़्यादा इसको मतलब कि जलाना नहीं है, आपको धीमे फ्लेम ही फ्राई करना है। फिर इसको निकालने के बाद उसी में कुकर में डालेंगे ऑयल को। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें डालेंगे पहले 2 तेज़पत्ते, आपको इस तरीके से डाल लेना है, ये आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद तेज़पत्ते डालने के बाद इस तरीके से आपको अच्छे से हल्का ब्राउन इसे भी कर लेना है। फिर उसके बाद ये आप देख सकते हैं, अच्छे से ये हमारा तेज़पत्ता जो है हल्का ब्राउन हो चुका है। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले जो हमने पीसे थे, ग्राइंड किए थे, अच्छी तरीके से पीस लिया था हमने, उसको ऐड करेंगे इसी में। इस तरीके से आपको मसाले को ऐड कर देना है, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको सारे मसाले को इसमें डाल लेना है। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमने केवल यही गरम मसाला जो हमने ग्राइंड किया था उसी को डालेंगे और इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपको अच्छे से इन सारे मसाले को भून लेना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपको धीमे फ्लेम में ही ऐसे अच्छी तरीके से भूनते रहना है। फिर उसके बाद भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे नमक को। तो इस तरीके से आपको नमक डालना है इसमें। फिर उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा, आपको इस तरीके से हल्दी पाउडर डाल देना है। और फिर उसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इस तरीके से आपको डाल देना है। बस इतना ही मसाला डालेंगे, अब उसके बाद हम इसमें मसाला ऐड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से भुनेंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको धीमे फ्लेम में ही मसाले को अच्छी तरीके से भुनना है। और मसाले को आपको इतनी अच्छी तरीके से भुनना है कि जब तक इसमें से तेल अच्छी तरीके से ना दिखने लगे। तो इस तरीके से आपको मसाले को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से भून लेना है, ये आप देख सकते हैं। और भुनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर। तो अमचूर पाउडर डालने से ना थोड़ा टेस्ट और बढ़ जाता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डालने के बाद अच्छे से आपको चलाना है, मसाले को भुनना है, इस तरीके से काफ़ी अच्छे से भून लेना है। और फिर उसके बाद भुनने के बाद आपको इसमें ऐड करना है जो हमने फ्राई किया था कटहल और आलू को, इस तरीके से आपको इसको ऐड कर लेना है इसमें। और कटहल और आलू डालने के बाद भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से इसे भून लेना है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको कटहल और आलू जो हमने फ्राई किया था उसको इसमें मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद आपको इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से इसे भून लेना है, ये आप देख सकते हैं। और गैस का फ्लेम धीमे, इसी तरीके से आपको धीमे फ्लेम में ही भूनते रहना है, ये आप देख सकते हैं। और जितना ही आप भूनेंगे उतना ही टेस्टी, अपना ही टेस्टी बन करके रेडी होगा। तो इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इसे भून लेना है, ये आप देख सकते हैं। और आपको गैस का फ्लेम धीमे ही रखना है, ज़्यादा तेज़ मत कीजिएगा, नहीं तो जलने लगता है नीचे से। तो इसलिए इस तरीके से आपको धीमे फ्लेम में ही अच्छे से इसको भून लेना है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से भूनना है। जिस तरीके से आपने मसाले को भुना था, सेम उसी तरीके से इन सारी चीज़ों को भी, सारे मसाले और कटहल वगैरह जो भी हमने डाला है, उन सारी चीज़ों को अच्छे से आपको भून लेना है, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको अच्छे से भून लेना है। फिर उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम 1-2 गिलास तक पानी ऐड करेंगे, अपने हिसाब से पानी को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 2 गिलास तक पानी ऐड करेंगे और पानी डालने के बाद अच्छे से सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आपको सारे मसाले को मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से।
ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से मिक्स करने के बाद आपको इसमें लगा देना है सीटी। तो यहाँ पे हम एक या दो सीटी तक बुला देंगे, और दो सीटी बोलने के बाद ये आपका जो कटहल का सब्ज़ी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से एक दो सीटी जो है आने देंगे, तो आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा कटहल का सब्ज़ी बन करके रेडी है। तो ये आप देख सकते हैं, इसे एक बाउल में निकाल लेंगे हम बाहर। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कटहल का सब्ज़ी बन करके रेडी है। तो आप इसको इस तरीके से चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा सा कटहल का रेसिपी बन करके रेडी है। आप लोग भी ज़रूर इस मज़ेदार रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि हमारी ये मज़ेदार रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियोस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।